कल दिव्या और अक्षरा के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद अक्षरा जो है दिव्या से कुछ बात करने आई थी और दिव्या ने उनसे सॉरी भी बोला था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अक्षरा सिंह जो है खुद के लिए जो करती हैं वो सही होता है लेकिन दूसरों को फिर पाठ सिखाने पहुंच जाती हैं। आखिर क्या कहना चाह रही हूँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल दिव्या अग्रवाल का बहुत तेज़ गुस्सा फूटा था जब उनकी आंखों में डेटॉल का कॉन्सेंट्रेटेड वाटर चला गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी गालियां दी थी, बहुत चिल्लाया था, पानी फेंका था लोगों पर। लेकिन उसके बाद दिव्या को जब रियलाइज़ हुआ दैट शी वेंट ओवर द टॉप, तो उन्होंने सबसे अपोलोजाइज भी किया था, इवन रिधिमा से जो है हक करके उनको माफ़ी मांगी थी, और वहीं उन्होंने अक्षरा से भी सॉरी बोला था और यही बोला था कि मेरा उस समय पर रेज आ गया था, मुझे गुस्सा आ गया था, मेरी आंखें जल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ब्लाइंड होने वाली हूँ और इसी वजह से वो सारा गुस्सा मेरा फूट रहा था। लेकिन वहीं अक्षरा जो है गुस्से वुस्से के बारे में सब कुछ ऐसे बोलती हुई नजर आती है कि गुस्सा वुस्सा ठीक है लेकिन चल चल ऐसे गाली वाली देके मुझसे बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपको गुस्सा आ रहा था ठीक है समझा जा सकता है लेकिन ऐसी बात करने का कोई तरीका नहीं होता है। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया था क्योंकि उसी सुबह को अक्षरा का बहुत बुरी तरीके से गुस्सा फूटा था और अक्षरा के पास तो कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट भी नहीं था जिस पर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सामने निकाल कर रख दी थी कि मैं फैमिली अच्छी से आती हूँ, मेरे पास नौकर चाकर हैं, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी और बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे जब गुस्सा आता है मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मेरा एंजाइटी अटैक आता है तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तो यहाँ पर अक्षरा का दिव्या को इस तरीके से समझाना थोड़ा सा इलॉजिकल लगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप समझ रहे हो कि आपका पारा कितना ऊपर चला जाता है और आपके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं, लेकिन दिव्या के गुस्से पर आपको जो है कंट्रोल चाहिए, दिव्या के गुस्से पर भी आपको चाहिए कि दिव्या कंट्रोल करके तमीज़ से बात करे, जो कि आप खुद भूल गई थी आज सुबह। तो भाई यहाँ पर इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है लिखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार ऐसी आप तक पहुँचाते रहेंगे। We'll be right back.